दिमाग खराब मत कर, समझे ना, जाना जा चुपचाप। गुस्सा क्या कर रहे हैं? गुस्सा उस्सा नहीं कर रहे हैं, फालतू का गुस्सा तो दिखा ही रहे हैं आप। गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? गुस्सा उस्सा नहीं दिखा रहे हैं हम। जाना तो जाओ ना यार, कल दिमाग खराब उराब कर रहे हैं हम। क्या हो गया, पार्क में बैठ नहीं सकते? हम भी आए हैं टिकट का पैसा देकर। हेलो गाइज, मैं हूँ मासूम रजा और हमारे साथ है पल्लवी जी। गाइज फाइनली हम लोग शादी कर लिए हैं। देखो देखो मैंने सिंदूर भी लगाया देखो। और ये चीज़ किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता जी। मैं सोचा आप लोग को पहले बताऊं और दानिश भाई को मैं बताने जा रहा हूँ। उसका रिएक्शन देखने लायक होने वाला है। मतलब लास्ट टाइम जब इसने प्रैंक किया था अकेले तो वो बहुत गुस्से में था, अभी तो ये और हम लोग अभी पार्क के बाहर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वेट कर रहे हैं चंदन का कॉल के आने का। वेट कर रहे हैं चंदन, हमारे साथ मिला हुआ है, और किसी को नहीं पता है। चंदन जैसे ही कॉल करेगा, अंदर कुछ शूट वगैरह चल रहा है, कॉल करेगा तभी हम लोग अंदर जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो लड्डू खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा और क्या होगा मुझे नहीं पता, ये मरवाएगी मुझे, हम पता है मुझे। तो मिलता हूँ वीडियो में, वीडियो में बने रहना, बस चंदन का कॉल का वेट कर रहे हैं, बस कॉल आ जाए। कॉल आ गया, ठीक है। हाँ चंदन, गेट पे ही है, अंदर सब कुछ सेट हुआ। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, बाहर ही हैं, ठीक है ना। ए भाई आएगा तू? हर्षिता कॉल की थी, उसका हस्बैंड ना मना कर रहा है। किस बात के लिए? जॉब के लिए, उसको जॉब चाहिए, उसके घर में दिक्कत चलता है, सब चीज़ नहीं हो पाता अच्छे से। हस्बैंड कहाँ मना कर रहा है भाई? पता नहीं, वही तो हमको समझ नहीं आया। हम हर्षिता से पूछे बताओ, तो बोले कि नहीं भाई हम आकर ही बताएंगे सारा बात। प्लीज़ दानी भाई से बात करके ना हमको जॉब दिलवा दीजिए अर्जेंट है। ठीक है, वही चीज़ है, पूरा बात समझाओगे तो। कैमरा स्टार्ट है ना? हाँ कैमरा स्टार्ट है। हेलो समदाइस खान, दोस्तों आज मेरे साथ चंदन है। दरअसल मैं इसके साथ हूँ। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा चंदन के चैनल पे, एबीसी प्रैंक पे, छठ वाला एक वीडियो बना था जिसमें एक पति था और जो अपने वाइफ के साथ बहुत कुछ अटपटा कर रहा था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हो। चंदन बात क्या है, पूरी बात एक बार अपने से बता दो। एक्चुअली उसका जो पति था भगवान पर बिलीव वगैरह करता नहीं था। जब मैंने उसको बुलाया, बातचीत हुआ, तो उस टाइम वो अच्छे से समझ गया। उसके बाद वो 8-10 दिन अच्छे से रहा। उसे सडनली हमें बोलती है अर्षिता कि मुझे जॉब चाहिए। हमने बोला क्यों, क्या हो गया? तो नहीं, आप दानी भाई से बात करो, मैं अभी बताने के कंडीशन में नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे ना अर्जेंटली एक जॉब चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक काम करो, उसको फ़ोन करके यहाँ बुलाओ और सारा चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, फिर जैसे भी हो अगर पॉसिबल उसके हस्बैंड अगर उसको बुला के हस्बैंड के साथ भी कुछ ना कुछ बात किया जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि हर चीज़ ठीक है। अब आजकल भी लड़का लड़की एक समान है। हाँ। जॉब अगर वो करना चाह रही है तो इससे उसी का तो भला ही है। हाँ, तो ठीक, फैमिली कंडीशन उसका सुधार होगा। कॉल कर लेते उसको, कॉल कर लेते हैं। अरे बा, ये लोग कहाँ से आ गया? अरे बाप रे, पल्लवी है। कैमरा बंद कर दो क्या, कुछ बाद में वीडियो शूट करना भाई। एक वीडियो कर रहे थे, क्या बात है? 5 मिनट बाद बंद कर। हां 5 मिनट बाद बना लीजिए, बंद कीजिए प्लीज, बंद करो 5 मिनट के लिए। हां बंद कर दो अमन भाई, बंद कीजिए, क्या बंद करो ये, क्या मतलब? बस काटो, बात करनी है कुछ। कहां से आ रहे हो? चलिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये लो तुम पहले आप मिठाई खाइए। मिठाई किस चीज़ का मिठाई? हाँ तो पहले बता। हम लोग कोर्ट मैरिज अभी जस्ट करके आए, उसी की मिठाई है। अच्छा, और हम किसी को नहीं बताएं, आपको बताने वाले थे, सॉरी उसके लिए। मैंने मना किया था नहीं बताने के, नहीं तो मैं बता देता। अच्छा। तो मैं सोचा सबसे पहले आपको क्यों ना खिला। तो अभी हमने शादी कर ली, तो सोचा कि बता देती हूँ। मजाक लग रहा शादी तुम्हें? मजाक लग रहा है दानिश,
मजाक लग रहा है। देखिए शादी का फोटो भी देख लीजिए, हम लोग तुमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। देखिए अभी हम लोग कोर्ट के बाहर का फोटो है। मजाक लग रहा है इनको, यही मजाक तो क्या बोल बताइए आप। तुम्हारे इसी नेचर की वजह से ना। बढ़िया वाला लड्डू तो लिया था यार, जो मिला बाहर में वही ले लिया। ए भाई तू कैमरा बंद कर। उनको हंसी आ रही है। हंसी किस बात की आ रही है? हंसी किस बात की आ रही है? हंसी किस बात की आ रही है? मजाक लग रहा है ये सारी चीजें। मैं अपना समझ के पहली बार मतलब सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। अच्छा हां सर, आना ही नहीं चाहिए, मैं मना किया था आपको। रिफाइन का लड्डू लाया यार। नहीं देसी घी का लड्डू आप गिफ्ट कर देना। क्या मेरे शादी तुम्हें खुशी नहीं हुई? मेरी शादी हो गई तो लग तो रहा है खुशी नहीं हुई। और कहाँ से आ रहे हो शादी करके? अभी हम लोग जस्ट कोर्ट से आए हैं। अच्छा ये डिसीजन कब हुआ तुम लोग के शादी का? प्रैंक व्रैंक कर रहे हो यार, तो बंद कर कैमरा, तो बंद कर। प्रैंक व्रैंक का कुछ इरादा कर रहा है भाई? हाँ यार इसको मजाक लग रहा है। जो हकीकत है बता दे। चलो यार यहाँ पे रह, यहाँ पे रहना ही बेकार है। मतलब तुमको ना बताना ही बेकार था। इसने ना मतलब हम लोग शादी नहीं कर सकते। मासूम इसने मुझे कभी सीरियसली लिया नहीं। मैंने कहा था ना कि यही मजाक तो इनको छीन गया एक दूसरे। मतलब लास्ट टाइम ना इसने प्रैंक किया था कि ये मुझे प्रपोज कर रहा है। बंद है, बंद है, बंद है। लो तुम भी मिठाई ही। मतलब क्या खाओगे मिठाई मेरे शादी का? बंद है ना? हां बंद है। ए भाई ऑन कैमरा मजाक होता है, प्रैंक होता है, ऑफ कैमरा नहीं। बता भाई क्या बात है, तुम समझाओ यार इसको। हम बोले ना ये आदमी को कोई नहीं समझ सकता। तो मतलब कौन सी बात हो गई आप लोग शादी के लिए हमें बोले? शादी कौन बात से होती है? शादी शादी होता है दानिश। देखो सिंपल सी बात है, मेरे घर पे काफी प्रेशर था शादी को लेके। कम से कम तुम तो ऐसे मत बोलो, ये तुम सीरियस रहते हो, ये तो मजाक में ही रहते हैं, तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम जानते हो मेरे घर पे कितना प्रेशर था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया इस बारे में। और मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकती, तुम ये भी जानते हो। और ये मुझे मजाक कर रहे हो तो मत करो यार, वीडियो हम लोग को शूट करना है। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, बात शूट करते रहना, जिंदगी भर शूट तो होता ही रहेगा। मैं अरेंज मैरिज, मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। वो सब समझे क्या? हम दोनों को नहीं लग रहा है। हेलो वाह, मैं क्या करूं मासूम बताओ? करना कुछ नहीं, मतलब क्या यार क्यों? मतलब मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी, तुम जानते थे ना? मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम ये भी जानते थे। जब मैं कब तक वेट करती तुम्हारा? तुम तो कोई रिस्पांस दे नहीं रहे थे। मतलब तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम करना क्या चाहते हो, कुछ नहीं पता मुझे। और ये मुझे एक बार बोली तो हम रेडी हो गए, लेकिन हम बताना चाहे। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे घर पे ना मेरे लिए रिश्ता आ रहा है रोज़ मेरे घर पे, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं दो ही चीज हो सकता था, कोर्ट मैरिज हुआ, घर वालों को मना के फिर वो भी हो जाएगा घर में रिसेप्शन वगैरह जो भी होता है। हमको तो एक बार बोल देते हैं ना, तुम लोग शादी करने का इरादा रखे हो। आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। मैंने मना किया था, सबसे पहला कार्ड आपके पास जाएगा, आपके पास और क्या। अभी तुमने कोर्ट मैरिज किया ना, घर में भी थोड़ी ना पता, ना इसके घर में पता, ना मेरे घर में पता है। सिर्फ आपको बताने आए हैं तो आपको तो मजाक लग रहा है। जो बात है मैं सीरियस बता दिया हूँ, बाकी आपको जो जैसे लेना जिस तरह लेना है आपको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जिस तरह लेना है, जो लेना है, जो लेना है किए हुआ है भाई। शादी शादी समझते हो? शादी समझती हूँ, तभी मैंने बच्चा नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, हमको पता है बहुत बड़े हो गए हो ना। मैं बच्ची हूँ, तुम मेरी हर बात को मजाक में लेते हो। मजाक में क्या लेते हैं भाई, तुमने मुझे मजाक में ले रखा है। हम लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे। यहाँ पे नहीं आता, ठीक है? यहाँ पे बात यहाँ पे है कि तुम एक सेकंड, तुम ये जो कर रही हो क्यों? मतलब कहाँ कर रही हो? कर चुकी है। अच्छा जो भी शादी की हो, जो भी शादी की हो ठीक है, कम से कम यार तुम जिससे भी शादी करो ठीक है। तुमको मासूम पसंद? अब मासूम कब से पसंद है भाई? कब मासूम से इरादा हुआ शादी करने का? कब क्या होता है? जब बोली तब मैं रेडी। तुम भाई कुछ बताते भाई,
सुबह में गए, हमको लगा कहीं गए, हम आगे एक वीडियो शूट करना था, पता नहीं चला कि कब तुमको शादी करना है क्या है, बता के जाते हैं ना कहीं पे शादी करने, हम भी चलते हैं यार बराती बन के। 5 दिन पहले ही बात हो गया। अच्छा, मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं। मैं भी सोचा, मैं सोचा आपको बताऊं, फिर मैंने इससे पूछा, सही नहीं लगा कि तुम मुझसे शादी करोगे। पहले इसको भी मजाक लग रहा था कि मैं इसके साथ प्रैंक कर रही हूं, तो फिर मैंने इसको अपनी कंडीशन बताई, फिर इसने मुझसे थोड़ा टाइम मांगा। क्या कंडीशन थी तुम्हारी? वही, तुम्हारे फैमिली है पल्लवी, आई लगता उनको समझ में नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रही हूँ, तभी मैंने किया। ये घर पे बात किए हो? अब बात करेंगे ना आप। अच्छा, किसके मतलब क्या बोलोगे घर पे? देखिए एक्चुअली मैं, मेरा यहाँ पे अपना दोस्त हो गया, सबसे सबसे गवाह था। ठीक है, सबसे पहला बात, मेरे ऊपर तो ये सब बम फटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम बोल रहे ना आपको, जैसे यहाँ कैमरा आप रिकॉर्ड करवा लीजिए, हम खुद से बोलेंगे, खुद की मर्जी से किए हैं हम, इसके इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है। मैं भी अडल्ट हूँ, ये भी अडल्ट है, हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैं वीडियो वाइट दे देता हूँ, एक फोन निकालिए, आप वीडियो वाइट में दे रहे हो, आप टेंशन मत लो। सही बता दी कि हाँ, किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से अच्छा तो मैं मजाक क्यों करूँ? अच्छा, ये मजाक वाली बात है, आज तक हम मजाक ऐसा किए हैं, वो अलग सीन था उस दिन, वो ऐसे ही हम मजाक कर दिए हम चंदन, और मजाक करेगा तो ये करेगा, मैं क्यों करूँगी? ये क्यों करेगी मजाक? वो भी शादी जैसे इतने बड़े मैटर को लेके, झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं, फोटो भी तो है, देखिए। मैं किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं कर सकती, भले ही मैं मासूम से प्यार नहीं करती, कम से कम मैं इसको जानती तो हूँ ना कि इसका नेचर कैसा है, ये कैसा इंसान है। तुमसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार था। नहीं, क्या क्या सोचे थे तुम्हारे बारे में कि यार मजाक उजाक कर रहे हो तो बता दो। पागल हो, तुम्हें अभी भी मजाक लग रहा है? बोले हम ये की मुंह पे हम अच्छे से बता रहे, आप सुन नहीं रहे। मैं सच बोल रहा हूं, शादी हो गई है, ठीक है, हो गया, जाओ अब। जाओ क्या? ठीक है, हो गया ना, जाओ अब। चंदन कैमरा पैक करो, अब नहीं होगा हमसे। चंदन तुम मिठाई नहीं खाएगा? चंदन आओ, मिठाई खाओ। किसी को मतलब ही नहीं है हम लोगों को, सही बात। मैंने पहले ही कहा था ना कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कुछ भी करूं। यार आप लोग नाटक मत करो, हम लोग वीडियो शूट करना है। लो चंदन को, आप लोग नाटक मत करो ना, उठा के फेंक देंगे, पहले बता रहे हैं। क्या हुआ? लो अपना मिठाई। नहीं बस सही है, क्या दिक्कत है? जाओ। कहाँ जाओ? जाओ कहाँ जाओ? चंदन ये हटाओ यार, हटाओ, ये आपके लिए लेके आता, रख लो। चलो बंद करो, ये बंद करो सब। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा क्यों कर रहे हो दानिश, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी करूं? कोई दिक्कत है? एक बार कंग्रेचुलेशन तक नहीं बोला, क्या दिक्कत है? क्या है कंग्रेचुलेशन? शादी होगी उसकी, कंग्रेचुलेशन और किसकी? तुम्हें खुशी नहीं कि मैं छोटा छोटा मैं काम करता था कि कपड़ा खरीद लेता था, एक फोन लेता था, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन, आज शादी कर ले तो कुछ नहीं। किसका गुस्सा दिखा रहे हैं? किस चीज का गुस्सा दिखा रहे हैं? आपको तो मतलब है इससे? कोई जब मतलब नहीं है, जब मेरी अब वाइफ बन गई तो आपको गुस्सा? चुप है, दिमाग खराब मत कर, समझे ना, जाना जा चुपचाप। गुस्सा क्या कर रहे हैं? गुस्सा उस्सा नहीं कर रहे हैं हम, फालतू का गुस्सा तो दिखा ही रहे हैं आप। गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? गुस्सा उस्सा नहीं दिखा रहे हम आपको, क्या दिक्कत है? हम लोग शादी कर लिए तो। हाँ भाई, हमको कुछ दिक्कत उक्कत नहीं है। तो शादी कर लिए तो आप इतना हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा कर, जा चुप हुए, एकदम रेवे कर रहे हैं। रेवे दानिश, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवे की बात नहीं है, समझे ना। फिर तो क्या बात है? मिठाई खाइए। हाँ तो हम खावे करेंगे मिठाई, जाना तो जाना यार, कल दिमाग खराब उराब कर रहे हैं। क्या हो गया, पार्क में बैठ नहीं सकते हैं? हम भी आए हैं टिकट का पैसा लेकर। फालतू का तुम लोग नाटक किए हो। क्या नाटक किए? अब आपको हम क्या दें, क्या बताएं आपको? हम बता रहे हैं, अपने किसी को नहीं बताए, अपने दोस्त को ना, फैमिली को ना, किसी फ्रेंड को, आपको आगे बता रहे हैं।
रिस्पेक्ट कर रहे हैं तभी ना बता रहे हैं। चुप हो रहा हूँ, काहे रो रही है, जाने दो इसको, जो करना है करना। भाई तुम लोग को पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है? हाँ बढ़िया लग रहा है ना, शादी के दिन रो रही है ये। किससे पूछ के शादी किए थे? किसी से क्यों पूछ? किससे पूछ के शादी? इतना बड़ा डिसीजन होता है, किससे पूछ के कर लिए? किसी से नहीं पूछ के किया, मेरा मन किया कर लिए। हम मन से शादी होता है ये मुझे पसंद, घर पे पता है। देखिए आप पसंद का कपड़ा पहनते हैं। तुम्हारा 4 दिन कुछ और था, उसके बाद कैसे यहाँ चेंज हो गया तुम्हारा मूड? तुम रहने दो मुझे, तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चुप करो, शांत हो जाओ, छोड़ो, इग्नोर करो। ऐसे जैसे इग्नोर कर रहे हैं ना, वैसे तुम इग्नोर करो। इतना अच्छा माल तो आप चढ़ेगा ना हम दोनों को? आप बढ़िया किए ना आप, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं ना ये सब करवा के आज तक, है ना, हर चीज़ों में कंग्रेचुलेशन। कैमरा लेके आता हूँ। कैमरा कहाँ लेके बुला रहे? कैमरा लेके आओ। कैमरा लेके कहाँ बुला रहे हैं? इधर हम आपसे बात कर रहे हैं, आज हम शादी कर लिए थे, एक बार भी कंग्रेचुलेशन नहीं, छोटा मोटा चीज़ों में कंग्रेचुलेशन। चलो जाने दो। क्या ले लेकर लेकर एक मिनट में, इधर आपसे कोई बात नहीं। इधर आए, कैमरा लेके आओ। इधर क्या हुआ? इधर बैठो, आओ बधाई देते हैं। कैमरा बंद करके आएगा? हाँ पल्लवी बंद ही तो है कैमरा। बैठो क्या? बैठो। अरे शादी की हो तो क्या ही दिक्कत है, शादी कर ली तो छोड़ी उसका हाथ छोड़िए। सुनो ना, अरे सॉरी, देखो थोड़ा सा होता नहीं है, गुस्सा वुस्सा हो गया, थोड़ा सा अलग मूड निकल गया। टच काहे कर रहे हो? मतलब भी तुमसे बात कर टच कर रहे हैं क्योंकि मेरा हक है भाई। भाभी वाला टच नहीं हो सकता है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे बात मत करो ना भाभी, सुने ना पल्लवी भाभी, चलो यहाँ से। पल्लवी भाभी चलो निकलो, पर हम भरेगा भाभी के साथ कर रहे हैं। चुपचाप बैठो, नाक मत कीजिए, एक बार चुपचाप बैठो। तो भाभी सुनिए ना, शादी का लड्डू या चंदन यार खाओ यार। पल्लवी भाभी मासूम भैया शादी का लड्डू लेके आए हैं। हाँ हाँ तुम भी खाओ। अरे शादी की हो यार, खाओगे नहीं? हाँ खाओ ना यार। हाँ भाभी, पल्लवी भाभी लड्डू खा ना। काहे परेशान कर रहा है? ये बंद करेगा तू, अब तो बंद कर दे। अलग ऊपर से हम सोच रहे कर कर रहा है भाई। शादी का कुछ नियम कानून होता है भाई, कुछ तौर तरीका होता है शादी करने। चलिए तुम भी खाओ, खा लो। भैया लगातार नहीं होता मासूम भैया। हाँ ठीक है जाइए। क्या भैया? थोड़ा सा जब बंद करो, थोड़ा सा। अरे बंद कर दिया, बंद कर दीजिए। चलिए इनको कोई बात। अरे हम बोले थे तू कुछ और, तू माला लगा के चले यहाँ शादी करने। तुम तो शांत रहो, तुम मुझसे बात नहीं। हाँ तो बात करेंगे तुमसे, नहीं बात करना है मुझे तुमसे। अगली बार भाभी आइडिया किसका था? हमें पता था ही फेल हो जाएगा, ये सब कभी नहीं। अभी सीखना बाबू, सीख लो। एक होता है, एक होता है, दो होता है, लगातार करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? 50-60 रुपए वाला लड्डू लेके आए हो, टप्पर में दबा रहे हैं, तब भी खाए जा रहे हो। 8 खत्म, 60 रुपए का लड्डू है। हटो भाभी, भाभी 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 बंद कर भाई। दोस्तों तो ये प्रैंक कैसा लगा आपको प्लीज हमको बताएं। मेरे ऊपर प्रैंक हो गया है बहुत जबरदस्त वाला, और अगली बार हम लोग करेंगे ना। पिछले बार से भी ज्यादा, वही हम सोचे कि माई कौन है मेरे पास यार, चंदन आ रहा बार बार, कैमरा क्यों नहीं लेकर आ रहा जब बंद करने के लिए उसको बोल रहे हैं? तो मेरे वजह से नहीं हुआ। तुम लोगों को दिमाग उमाग सही में नहीं है, माला लेके आ रहे प्रैंक करने के लिए। अब अगले बार वकील लेकर आएंगे। हाँ तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज ये लोग से पूछ ले ये लोग जो करना कर रहे हैं यार। कोशिश किया था बट नहीं हो पाया। सॉरी गाइस।